मोहम्मद जरगर डीएपी पार्टी का एक अदना कारकुन और यहाँ के अपने पंचायत का भी थोड़ा एक्टिव मेंबर हूं मैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट जो बटोत के अंदर मनरेगा का काम लोगों ने किया हुआ है, उन लोगों ने मेरा जीना जो है हराम कर दिया है। इसका कारण क्या है, हमें आज मजबूर होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ा। इसमें हमारे तारिक जी हैं जिनने ड्रेन का काम किया था, सेबर लोन हाउस टू उपदर्शीत हाउस, जिसका अमाउंट में भी 1,63,000 का था, जबकि इसको लेबर पेमेंट होती है टोटल 64,000। उसमें एक वार्ड नंबर 5 की पंच शगुफ्ता बेगम जी, जिनका अमाउंट 2,00,000 का था, उनको भी ये कोई 80,000 की पेमेंट होती है। कुछ वार्ड नंबर 3 का है, वार्ड नंबर 4 का है, काफी वार्डों की समस्या है। मुझे एज ए सोशल एक्टिवेट मेंबर हूं मैं, मुझे लोग काफी तंग करते हैं, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं। इसमें मेरा भी एक दिल है, खैर मैं अपना नहीं गिनूंगा, छोड़ो, क्योंकि हम तो लोगों के खदमत खिदमत करने वाले बंदे हैं। अगर हमारा बिल नहीं भी मिलता है, इसमें अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ जेई साहब थे, हरिपाल साहब, उन्होंने अगर मेजरमेंट करी तो मेजरमेंट के बाद अगर उनको पता था ये बिल यहाँ इतना नहीं बनता, तो उन्होंने कम से कम काम को स्टॉप करना चाहिए था। गरीबों के पैसे लगवाए, और गरीब आज आपको पता किस हिसाब से लोगों के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, सरकारें आपको पता किस किस्म की है कि कहां से लोग कमाएगा, कहां से खाएगा। और आगे मनरेगा का काम है जो जॉब कार्डों पे आता है, जॉब कार्ड में जो पैसा पड़ता है, लोग बोलते हैं मोदी जी ने डाला है, वो पैसा तो जब रिटर्न करना होता है अगर 1500 पड़ता 500 वो खा जाते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं डिपार्टमेंट ब्लॉक डिपार्टमेंट से कम इन गरीबों का जो बिल है वो दिया जाए। अगर आपने पिछले साल का वो काम करवाया, एक साल के बाद आप बिल दे रहे, वो भी आधा दे रहे, खाली लेबर पेमेंट इनकी हो रही, उसमें आपको पता है मैसनरी आप नहीं दे रहे हैं, पत्थर का पैसा आप नहीं दे रहे हैं। अभी मैं तारिक जी से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्याल रखें। अभी मैं गुजारिश करता हूं गवर्नर साहब से, अपने डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से और अपने एसीबी साहब से गुजारिश करता हूं कि इस बिल के बारे में थोड़ा तवज्जो दीजिएगा कि ये बिल अगर क्यों नहीं बन रहे हैं। इसमें अगर हम बीडीओ साहब के पास जाते हैं, बीडीओ साहब बोलते हैं कि जेई साहब के पास जाओ, जेई साहब के पास जाते हैं बोलते हैं जेआरएस के पास जाओ। आप हमें बताइए कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि लोगों ने काफी तंग कर रखा हमें। मैं गुजारिश करता हूं कि इस बारे में थोड़ा देखा जाए कि इस बिल को जो इसका मसला है, ये मसला हल कौन करेगा, प्लीज हमें बता दी जाएगा। और नहीं तो अगर इस मसले का हल नहीं होता तो हमें मजबूर होकर रोडों पे आना पड़ेगा, क्योंकि लोग काफी तंग और दंग आ चुके हैं।